हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपरवाइजर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड नाइन्थ क्लास का एक पोएट्री सेक्शन का एक चैप्टर है, रेन ऑन द रूफ, जिनको कंपोज किया है कोट्स किमने ने। और ये स्टोरी यानी कि इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया है स्टूडेंट्स, वो किस प्रकार से है, जैसा कि एज अ टाइटल यू नो आप जानते भी होंगे इस चैप्टर को, कि इसमें दिया है टाइटल कि रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत पर बारिश, किस तरह से बारिश के बारे में यहाँ पर बताया है पोइट ने, वो हम आज एक्सप्लेन आपके साथ करेंगे। सो लेट्स सी स्टार्ट द चैप्टर। आप देखते हैं क्या है कि जब आकाश में घने बादल होते हैं, काले काले बादल होते हैं, और आकाश में क्या होता है कि जो बादल होते हैं और बादल से जो बारिश होती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, वो यहाँ पर दिखाया जाता है। हमें ये लगता है कि जब बारिश की बूंदें यहाँ पर गिरती हैं हमारे ज़मीन पर, हमारे घर पर, और हमें कितना ज़्यादा अच्छा रोमांटिक फील होता है। लेकिन जब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमें ये फील होता है यह आकाश कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आकाश जो बादल की बूंदें गिरती हैं, पानी की जो बूंदें गिरती हैं ज़मीन पर, और बारिश जो होती है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील कराती है, करती है, हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा पीसफुल करती है। बट एक्चुअली में होता क्या है कि बादल जो होता है, यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पर दिया गया है कि मानव के रूप जैसा, यानी कि बादल जो होता है उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ज़्यादा वो परेशान होता है। इस कारण वो क्या करता है कि अपने आंसू बारिश के रूप में वो अपने गिराता है, यानी कहा जाए तो बादल रोता है और उसकी बूंदें हमारे ज़मीन पर गिरती हैं। लेकिन जब वो बूंदें गिरती हैं, बारिश होती है, हम लोग कितने लकी होते हैं, यानी कि घर में लेटे हुए होते हैं अपने बिस्तर पर, और उस बारिश की बूंदों को अपने छत पर जो टाइल्स वगैरह होते हैं, छत पे जो दीवार होती है, छत होती है टेरेस पर, हम उन बूंदों को अपना सुन सकते हैं, और उस ठंडी हवा का और बारिश का हम अपना अच्छा आनंद ले सकते हैं। कभी कहते हैं कि क्लाउड्स लाइक, यानी कि क्लाउड्स जो है बादल हैं, वो ह्यूमन की तरह होती है, इस कारण से वो घने बादल कड़कड़ाते हुए यानी कि वो रोते हैं। और उसके बाद पोइट अपने आप को फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं, अपने घर में बैठ के उस पोइट रेन ड्रॉप्स को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पोइट को इन सारी चीज़ों में यानी कि फील करता है वो क्या, अपनी जब वो बारिश की बूंदों को सुनता है, बारिश की बूंदों को देखता है, तो उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती है। पास्ट मेमोरीज कौन सी थी उसकी, जब वो अपने भाई बहनों के साथ में अपने घर में हुआ करता था बचपन में, और उसकी माता यानी उसकी माँ वो उसे बार बार बीच बीच में देखा करती थी उठकर कि कहीं मेरा बच्चा परेशान तो नहीं है, किसी बात से डरा हुआ तो नहीं है। लेकिन आज उसकी माँ वो जीवित नहीं है, और उसको लेकिन उसकी पास्ट मेमोरी में उसको हमेशा ये लगता था उसकी माँ उसे देखती है। आज भी पोइट जब कभी अपने नींद में होता है तो उसे जब बारिश हो रही होती है तब भी उसे यही फील होता है कि उसकी माँ उसको देख रही है और उसको हमेशा ख्याल रखती है, उसकी चिंता है उसको, इस तरह से उसकी माँ को उसको हमेशा लुक आफ्टर यानी देखभाल करती है। पोइट को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ये माहौल बहुत अच्छा लगता है, और पोइट के दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसके खुशी होती है, और उसको हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से पोइट यानी कि इस तरह की बारिश में सभी को बहुत खुशी होती है, रोमांटिक फील करते हैं अपने घर में, इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद बट उसकी माँ उसको देख रही होती है, उसकी फीलिंग हमेशा से होती है। रेन ड्रॉप्स यानी कि जो हमारे ज़मीन पर गिरती हैं, उसको सभी को बहुत खुशी होती है, उसको देखकर सभी का मन बहुत अच्छा लगता है। और जो स्काई में बादल हो रहे होते हैं, जबकि एक्चुअल कंडीशन में आई टोल्ड यू अ फ्यू मिनट कि बादल को इतना ज़्यादा कष्ट होता है, यानी इतना दुख के कारण घने बादल हम अपने आंसू निकालते हैं, और वो आंसुओं के रूप में अपने रेन ड्रॉप्स को हमें देते हैं, यानी कि अपने बारिश के रूप में अर्थ पर फ्लो होता है, ड्रॉप करता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपकी
रेन ऑन द वाटर यानी रेन ऑन द रूफ, जो रूफ पर गिरती है वो इस तरह के, इसमें पोइट ने बताया है किस तरह के बादल हमें बारिश देते हैं और किस तरह से हमें रोमांटिक फील होता है, क्योंकि बारिश में अक्सर हमें बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है, हम एक इन्जॉयमेंट करते हैं अपने साथ में तो हमेशा से, क्योंकि हम बारिश का सभी लोगों को अच्छा लगता है। इसी प्रकार से पोइट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया रेन ऑन द रूफ, ज़्यादा बड़ी पोइम नहीं है बल्कि शॉर्ट पोइम दिए हुए है और इसको एक्सप्लेन किया गया है बाई एज आई टोल्ड यू एंड यू कैन सी कोस्ट किमने ने। तो आई थिंक सो कि दिस चैप्टर इज वेरी अंडरस्टैंड एंड क्लियर ऑल्सो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्योरीज यू कैन कम राइट इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल सॉल्व योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल।